You are the actor who is a character on the screen. Shahrukh is Shahrukh, Amir is Amir. But you are Sultan Mirza. You are Malik Bhai. Up. बोलो हर 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 हर. जैसा कि आपको मालूम है कि शिवाय फिल्म आ रही है दीपावली के अवसर पर, आप लोग देखने को तैयार हैं? इनका पहले तो सबसे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. अच्छा, मैं आपको दो मिनट देता हूं, आपको जो बोलना जो चलाना बोल लो. ओके, कम ऑन. हमारा इंदौर में राजवाड़ा के पोहे जलेबी बड़े फेमस है, आपने खाए कि नहीं खाए? आते ही सबसे पहले मैंने वो खाए, सबसे ज्यादा जलेबी. अरे क्या बात है. ओके, अजय आपके साथ दो हीरोइनें इंट्रोड्यूस हो रही हैं जी. दो हीरोइनें आ रही हैं, उनके बारे में कुछ बताइए और यहाँ पर बुलाइए उनको. दो बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं जो मेरे साथ आई हैं, वो पीछे इंतजार कर रही हैं. अगर आप लोग कहें तो उसे उन दोनों को बुला लूं मैं. बिल्कुल बुलाया जाए. यस, कम ऑन प्लीज कॉल Aisha and Erica. चलिए जब तक हीरोइनें आ रही हैं, अजय सोलह ताली होनी चाहिए. Aisha, और ये है Erica. अरे इनके बारे में बताइए, पहली बार इंडस्ट्री में आई हैं, पहली बार फिल्मों के जरिए लोग देखेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इन दो खूबसूरत? आई थिंक सबको नजर आ रहा होगा कितनी खूबसूरत हैं दोनों. बिल्कुल 100% सोलह तालियां, कम ऑन. सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, ये बहुत ही दोनों बहुत ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं. और ये कहां से आपने खोज की इन लोगों की? बड़ी मुश्किल से खोज की. अरे क्या बात है, ये तो हिंदुस्तान में मिल गई, इनको बाहर से ढूंढ के लाया हूं मैं. क्या बात है. ऐसे हमारे इंदौर में भी बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, तो आप अपनी फिल्मों में काम देंगे कि नहीं देंगे? हमारे इंदौर में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग काम करेंगे अजय देवगन के साथ? टैलेंट को अपने आप ही काम मिलता है. क्या बात है, टैलेंट को काम अपने आप मिलता है. यहाँ पर जितने लोग हैं, हमारे मीडिया के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सब बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन एक बार और इस ट्रेलर को देखना चाहेंगे, प्रोमो को, उसके बाद आपसे बातें. बिल्कुल, ठीक है. ओके, रेडी, वन मोर. जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां. अरे आपने इतनी ऊंचाई भी रखी, क्या हिमालय में शूट किया? कहां शूट किया इसको? हिमालय में भी शूट किया, बुल्गारिया में भी शूट किया, जहां जहां बर्फ में पहुंच सकते थे वहां सब जगह. तो कितनी कंट्रीज को कवर किया आप लोगों ने? बेसिकली इंडिया और बुल्गारिया. ओके, आज इस समय हमारे साथ में
शायशा मौजूद है, शायशा के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। कम ऑन शायशा, हाउ वाज एक्सपीरियंस, कैसा रहा काम करते हुए? नमस्कार, पहले तो आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वेल, मैं क्या कह सकती हूँ, आई थिंक मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ कि अजय सर ने मुझे शिवाय का एक छोटा सा हिस्सा बनने का मौका दिया। थैंक यू सर। आपने ट्रेलर तो देख लिया, मैं भी पहली बार ट्रेलर आप सबके साथ ही देख रही हूँ। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड इट, एंड मैं चाहती हूँ कि आपने जितना सारा प्यार अजय सर को दिया है उतना प्यार मुझे भी दे दीजिए। We have Erica. Erica, give me a round of applause. Come on, guys. Erica, how was the experience with Ajay Devgn? Puri film karna? It was crazy. Yo. But as you see in the trailer, it's really, really incredible. So everything came out really well, and I loved it. Won't say anything else. Okay. Ajay, isme ek line hai, ane do line hai. जो बड़ी कमाल की हम लोग ट्रेलर प्रोमो सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आपकी जुबानी हो जाए। जोरदार तालियां होनी चाहिए अजय देवगन के लिए। कम ऑन गाइस। ना दीना अंत है इसका, वो सबका ना इनका उनका, वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय। क्या बात है अजय, ये फैमिली फिल्म है या तो? बिल्कुल इमोशनल ड्रामा है, फैमिली फिल्म है। जो एक्शन भी है वो बैकड्रॉप है, बेसिकली एक इमोशनल कहानी है। क्या बात है। अच्छा, हमारे बहुत सारे फैंस यहाँ मौजूद हैं जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। एनीवन है, क्या माइक्रोफोन किसी के पास है? ओके, हाँ प्लीज। हेलो हेलो, रिलैक्स रिलैक्स, कहीं नहीं जा रहे, यहीं पे हैं, डोंट वरी। ओके क्वेश्चन सर, इंदौर आने के लिए आपका शुक्रिया, आपने हमारा दिल रख लिया, हमारे लिए अनफॉरगेटेबल मोमेंट है सर, ये लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे सर हम। आप लोगों ने इतने प्यार से बुलाया तो आना ही था। थैंक यू सर। सर, इंदौर में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है आपको? सबसे अच्छी चीज वैसे आप लोग। एनी क्वेश्चन या एनीवन, या प्लीज पूछिए, माइक्रोफोन पास में है। और कोई पूछना चाहेगा क्वेश्चन? हर 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 हर। जी हाँ, शिवाय फिल्म इस दीपावली को आ रही है, आप लोग जरूर देखिएगा। अजय, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं चाहूंगा, और कोई फैन क्लब में से कोई मौजूद है? क्योंकि यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया के लोग आए हुए हैं, सब पूरे सिर्फ चुनिंदा फैन क्लब को बुलाया गया है, और उन फैन क्लब के सिर्फ 5 सदस्य यहाँ मौजूद हैं, मतलब 122 फैन क्लब यहाँ पर इंदौर में मौजूद है। एक बार सोलह तालियां होनी चाहिए। कम ऑन सोलह तालियां। हेलो हेलो सर, हेलो अजय सर, हियर हियर जी। आई हैव जस्ट मेड यू, गिवन द बायोग्राफी टू यू। ओ दैट वाज लवली, थैंक यू सो मच। मी सर, माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थीम लाइन ऑफ शिवाय इन वन सेंटेंस? व्हाट इज शिवाय अकॉर्डिंग टू यू इन वन लाइन? इट्स एन इमोशनल ड्रामा वेयर अ मैन हु इज पुश्ड टू डिस्ट्रॉय everything possible because somebody is trying to destroy him. And we want the trailer once more, please. Last, once more. Before we finish, we'll have it once only more. You are the actor who is a character on the screen. Shahrukh is Shahrukh, Amir is Amir. But you are Sultan Mirza. Let's. You are Malik Bhai. You are Malik Bhai. Only you are the actor born with characters. I think best luck to your life. I think everybody is. I love you very much, fabulous. Sir. So let's not. And I will complete the book on your birthday, 2nd April. I will bring it in Mumbai. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Ajay, बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये शिवाय इस फिल्म का टाइटल क्यों है? क्या रीजन क्या है? शिवाय नाम क्यों रखा गया? कैरेक्टर का नाम शिवाय है। ओके। और शिवाय एक ऐसे भगवान है जिनमें वो सब चीजें हैं जो कि एक आम इंसान में होती हैं। जी, बाकी जितने भी भगवान हैं सब के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो सब एकदम परफेक्ट है। शिवाय हैं जो भोले भी हैं,
जो भांग भी पीते हैं, जो हर इंसान जो करता है वो करते हैं, गलतियां भी करते हैं, बेवकूफ भी बन जाते हैं, गुस्सा आता है तो डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं, तो ये सब अगर आज के इंसान में हो और सही चीज सही तरह से इस्तेमाल करे तो वो कैसा होगा? क्या बात है। अच्छा मैं कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी के हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एग्जैक्टली देखा जाए तो आप ही शिवा हैं। ना, ना, ना। मैं मानता हूं ऐसा, क्योंकि आप में क्रोध है, गुस्सा है, भोलापन है। एनी क्वेश्चन? माइक्रोफोन माइक लो, माइक बेटा माइक लो, माइक माइक माइक। हाँ ओके, हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ जी सर, आपने फिल्म में जितने भी स्टंट्स किए और जंप्स किए, आपने उसके लिए क्या स्पेशल ट्रेनिंग ली है? थोड़ी बहुत ली है, बचपन से ली है। अरे भाई खानदानी परंपरा है। हेलो सर, हमारी चाय बहुत कड़वी होती है जी। सर सर एक क्वेश्चन है, तुम्हारा आज हैप्पी बर्थडे है, सुनना एक बार, एक शेर सुनाऊंगा आपको मैं जी। सोने का घड़ा पलंग पे पड़ा, अजय देवगन जी का दिल इतना बड़ा कि हमको हैप्पी बर्थडे कहना पड़ा। हेलो 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 सर, वन क्वेश्चन। अरे एक डायलॉग सुनना चाहेंगे आपसे, अपहरण का, अपहरण का। अरे अपहरण बहुत पुरानी होगी, याद नहीं यार डायलॉग। याद नहीं मूवी है सर, मेरा नाम भी अजय है सर, मेरा नाम भी अजय है सर, और सभी दोस्त लोग मुझे अजय शास्त्री ही बोलते हैं सर। अजय अजय शास्त्री ही बोलते हैं। अजय शास्त्री, मुझे डायलॉग याद नहीं है इस वक्त, वरना मैं जरूर सुना देता हूँ सर, मैं सुना देता हूँ। ओके वी हैव मीडिया के लोग बहुत सारे मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि कोलकाता से, बैंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, रेडियो टीवी प्रिंट के लोग मौजूद हैं, प्लीज आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अजय प्लीज, अजय इधर बड़ा माइक्रोफोन लेना, माइक्रोफोन। एक्सक्यूज मी अजय, कोने में जस्ट अपोजिट अपोजिट अपोजिट। ओके हाँ या हेलो हेलो, माय सेल्फ मनीषा, आई एम फ्रॉम प्रभात किरण, आई एम अ सीनियर रिपोर्टर। सवाल पूछने के पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है अजय, ऐसा नहीं हो सकता कि मीडिया वालों के लिए आप 5 मिनट का समय निकाल लें और इधर आके बात कर लें, इट्स बेटर फॉर अस, इट इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू यू। आई नो आई वुड लव टू डू इट, बट अगर हो सके तो मैं जरूर करूंगा, आई डोंट नो हाउ टू गेट देयर, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। अभी कोई क्वेश्चन इज दैट जी, शिवाय की जो कल्पना थी वो कैसे और क्यों आपके मन में आई, और इस फिल्म को बनाने के पीछे मेन थीम क्या थी? शिवाय, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक इमोशनल ड्रामा है, इसकी कल्पना इनफैक्ट एक आर्टिकल हमने पढ़ा था जो कि रियल जिंदगी में हुआ था, तो उससे हम लोग बहुत मूव हो गए थे। ये पिक्चर उसके थॉट प्रोसेस पे बनी गई है, उसको फॉलो नहीं किया गया, बट वो हमारा इंस्पिरेशन था। हेलो हेलो अजय इधर, हेलो अजय इधर, सर आप मीडिया से यहाँ पे कोई माइक्रोफोन और है प्लीज ले लीजिए, वो यहाँ से किसी पास माइक्रोफोन है प्लीज ले लीजिए। हेलो हाँ, कोई पूछना चाहता पूछ लीजिए प्लीज आप। अजय इधर, इंदौर समाचार से मुनेश शर्मा। अजय एक बात बताओ, शिवाय के बाद आप काजोल के साथ कोई फिल्म बनाएंगे या ना बनाएंगे, ये मेरा प्रश्न है। उनके साथ एक फिल्म बन रही है अभी हमारी प्रोडक्शन में, जो इस साल के एंड में शुरू होगी। क्या बात है, ओके थैंक यू। अजय अजय मेरा नाम हर्षवर्धन है, अजय मेरा नाम हर्षवर्धन है, मैं पीटीआई से बात कर रहा हूँ। आप इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, तो एक्टिंग और डायरेक्शन की तरफ जाने का जो आपका फैसला था वो आपने क्यों किया, कि कोई अच्छा बंदा इसको आपको नहीं मिला डायरेक्ट करने के लिए, या आपको लगा कि कोई इंसाफ नहीं कर पाएगा इसके साथ? ऐसा नहीं है, मेरा अपना थॉट प्रोसेस था, जो कहानी मैं कहना चाहता था वो मुझे लगता था कि वो मैं ही कह पाऊंगा, इसलिए मैंने ये फिल्म बनाई। अजय आपके इस ओर, अजय प्रशांत फ्रॉम ईटीवी नेटवर्क। जैसा आपने जिक्र किया कि शिव शुरुआत आरंभ है और अंत है, क्या ये फिल्म किसी तरह उस स्पिरिचुअल लेवल पे भी लोगों को ले जाएगी, कोई लेयर ऐसा मिलेगी, या ये होलसम एंटरटेनमेंट है केवल? ये होलसम एंटरटेनमेंट तो है ही, बट इसके अलावा इसके पीछे जो एक थॉट है, जो मैंने आपको पहले भी बताया, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं शिवाय के, वो किस तरह, जैसे कि बोलो हर हर हर, तो हम शक्ति बाहर ढूंढते हैं, बाहर नहीं आपके अंदर ही है, अगर आप खुद अंदर ढूंढ लें तो हर हर महादेव, हर इंसान महादेव है।
तो इसलिए बोलो हर हर हर. तो ये फिलॉसफी है बेसिकली फिल्म. बहुत बहुत शुक्रिया अजय. अजय दिस साइड. अजय दिस इज साक्षी फ्रॉम दबंग न्यूज इंदौर. आई जस्ट वॉन्टेड टू आस्क यू, दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी फिल्म ट्रेलर इज बीन लॉन्च इन इंदौर. कुछ thought tha iske piche, like why did you choose Indore to launch? Yeah, this wasn't my plan. I was called by them. They the boys, the fan clubs, they came to Bombay and they saw the trailer and they wanted, and they said can we launch the trailer. So I have not organized this, they have organized this. I've just helped them in organizing it. Ajay, hi, this is Pranay from People Samachar Indore. सर राउंड टेबल के बारे में थोड़ा सा इंदौर की जनता को बताइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे. सॉरी क्या बोला? राउंड टेबल आपका एनजीओ. हाँ बट इस वक्त उसके बारे में बात नहीं करेंगे, इस वक्त सर लोगों के पास सवाल कुछ भी है, जनता जानना चाह रही है, इसी कारण जनता का सवाल है मेरा. यार सवाल शिवाय के बारे में बात कर लेते हैं. सर बिल्कुल शिवा के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा राउंड टेबल के बारे में बताइए. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. ओके सर, थैंक यू. एनी क्वेश्चन? हेलो अजय सर, यहाँ पे यहाँ पे टू योर राइट. अजय सर, हम देख रहे हैं ट्रेलर, द ट्रेलर लुक्स ऑसम. थैंक यू. डू यू फील इट कैन गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू हॉलीवुड इन द इन फ्यूचर? क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत रियलिस्टिक लग रहा है पूरे लोकेशंस, आपका कैरेक्टर, और डू यू फील इट कैन गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू हॉलीवुड इन फ्यूचर? इट्स द इंटेंशन इज नॉट टू गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू हॉलीवुड, द इंटेंशन इज टू रेज आर बार एंड मेक फिल्म्स. If they can make it at that level, so we can also make it at that level. That is what is the main issue. Ajay sir, this is RJ Alok, aapke center mein. Yeah. Sir, mera sawal hai ki 3 minute 40 second mein jo aapne trailer dikhaya hai, ye bilkul alag tarike ka kata hua trailer hai. Gaanon ka samanjasya hai, aapke dialogues hain, shlok usme rakhe gaye hain. To is tarike ka trailer aapke fans aur darshakon tak pahunchane ke piche ka raaz kya hai, zara bataye. फिल्म का मैं जिस स्केल की फिल्म है और जिस हिसाब की फिल्म है उसके बारे में और जो इमोशन है वो अंडर करंट बताना चाह रहा था, और जो फिलॉसफी है फिल्म की वो जो मेरी वॉइस ओवर है उसमें है. बिना ज़्यादा कहानी के बारे में रिवील किए, आई थिंक मुझे ये सबसे अच्छा रास्ता लगा ट्रेलर बनाने का. हेलो, और आपकी कही हुई सारी लाइन्स में से कोई पर्टिकुलर लाइन जो आपको काफ़ी बेहद पसंद हो? जो अभी मैंने कही वो सबसे मेरी फेवरेट है. Hello. Hi, my question is to Saisha and Erica. How was your experience of working with Ajay Devgn on a film like Shivaay, which is his most ambitious project? Ajay sir, ek bahut hi it made it even more special that he's not only acting in the film but he's directing it as well. Everybody knows that वो बहुत ही talented कलाकार हैं, but in the direction department too, he is very accurate. He knows exactly what he wants, which made my life easier. And so it gives me great honor to be part of his directorial film. That doesn't happen very often, so I couldn't have asked for a better debut. Erica, what do you want to say something in Hindi to all your fans? ओके आज मैंने ब्रेकफास्ट में राजवाड़ा के पोहे और जलेबी खाया है, बहुत अच्छा है. साइशा, शुक्रिया. सुमित फ्रॉम एनडीटीवी. मेरा सवाल ये है कि आपने अजय सर की पहली फिल्म कब देखी थी, आप कितने बड़े थे, और कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है अजय सर की? और दूसरा सवाल यह है कि इंदौर में आपकी पहली फिल्म, डेब्यू फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इंदौर कितना स्पेशल है, यहाँ के लोगों से मिलके आपको कैसा लगा? As I said, इतना सारा प्यार देखकर, all the love that they've given, I'm feeling overwhelmed, and it's a great, great feeling that you can experience this in your very first film. So thank you for all the love. Your first film you saw Ajay sir ki, jo pehli film? Honestly, I won't remember the first film. I must be very little. But I think I have a few memorable films that I remember him. Ajay, Omkara,
will be one of my favorites. Drishyam will be one of my favorites. The list goes on, but I think these two will be very memorable for me. अच्छा क्या sets पर अजय सर आपको डांटते थे? मतलब कैसा उनका behavior रहता था sets पर अजय सर का? Sets पर अजय सर as a director आपको कैसे mentor थे? क्या आपको डांट पड़ी या उन्होंने सिखाया अच्छे से? डांट बिल्कुल नहीं पड़ी. अजय सर is the most calm, cool person you'll ever find. He's strict in the way as he knows what exactly he wants. So till he gets that, he'll make sure the take is taken. But even if there's ek cheez jo nahi aa rahi hai, wo bol denge ek aur le lenge. So he makes the people around him feel very comfortable, and that's great. Question mera aapse ki acting aur direction dono mein zyada interesting kya lagta hai, direction ya acting? आई थिंक दोनों ही अपनी जगह पे हैं. अजय एक सवाल इधर पूछ. कॉर्नर अजय, फूल और कांटे से आपकी शुरुआत हुई थी और अभी शिवाय तक आप पहुंचे हैं, ये पूरा सफर कैसा रहा आपका फ्रॉम फूल और कांटे टू शिवाय? और अब ऐसा कौन सा किरदार है जो आप निभाना चाहते हैं या जो आपका ड्रीमी किरदार है? कौन सा किरदार तो मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि 25 सालों में मैंने हर किस्म के किरदार निभा लिया. अभी ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा किरदार और अलग तरीके से फिर से निभा सके. और सफ़र की बात करें तो आई थिंक मुझसे ज़्यादा किस्मत वाला इंसान नहीं होगा जिसने 25 साल में इतना सब कुछ देखा और हमेशा कामयाबी देखी है, चाहे वो थोड़ी हो चाहे बहुत हो, और इन सबका प्यार मिल रहा है. हाय अजय. Ajay, this is Saurabh here from Bollywood Hangama. During the entire shoot, have you gone through any injury? I suffered from hypothermia, जो कि सर्दी की वजह से हो जाता है, जो काफी fatal होता है कई बार. वो एक incident हुआ था. उसके अलावा छोटी मोटी मारे तो लगती रहती है. Thank you. Hello. Thank you. Anyone? और कोई? Sir, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये आपको हमने हर किरदार में देखा है, चाहे इमोशनल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इस किरदार के लिए आपको कितनी मेहनत करना पड़ी, क्या संघर्ष इसके बीच हुए, क्योंकि इतनी रियल स्टैंड करना पॉसिबल नहीं है. बहुत ज़्यादा मेहनत किरदार पे नहीं करनी पड़ी, क्योंकि किरदार भी लिखा मैंने खुद है, तो मुझे किरदार की समझ काफ़ी थी और मैं क्या अपने आप से चाहता था ये मुझे पता था. बट फिल्म बनाते वक्त क्योंकि जो हालात थे, जिस हालात में और जिस टेम्परेचर्स में ये फिल्म बनी है, और जिस आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे शॉट हैं जो कि लेना बहुत मुश्किल है, वो सब करने में बहुत 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 मेहनत करनी पड़ी. सर इधर, आपकी सिंघम फिल्म देखकर इंदौर पुलिस भी सिंघम का किरदार निभा रही है, क्या आप इसको सही मानते हैं? अगर निभा रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सिंघम में अगर नॉन करप्ट हमने पुलिस दिखाई है और वो जेन्युइनली यहाँ है, तो मैं इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात और क्या होगी. ओके थैंक यू. ओके लास्ट बार वो जो डायलॉग था जो सबने रिक्वेस्ट किया था अभी. ओके लास्ट डायलॉग. ओके वन बार आपने प्रॉमिस किया था और उसके बाद अजय हम लोग ट्रेलर देखेंगे जी, ठीक है? ओके लास्ट डायलॉग. ना आदि ना अंत है उसका, वो सबका ना इनका उनका, वही शून्य है वही. याद नहीं भैया? याद नहीं है. जिसके भीतर बसा शिवाय. अब एक बार ट्रेलर देखते हैं वापस. ओके आइए.